आज बात करते हैं रुपी कार्ड के बारे में। रुपी कार्ड कार्ड ऐसा है जो आपका सिबिल स्कोर डाउन है, कोई ऐसी चीज हुआ है कि आपके साथ ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं तो आपका सिबिल डाउन हो जाता है, या आपने कोई लोन का ईएमआई नहीं भरा है तो सिबिल डाउन हो जाता है। ऐसे बहुत सारा रीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से आपके लोन का रेगुलर ईएमआई पेमेंट ना होने की जगह पे आपका सिबिल स्कोर डाउन किया जाता है। अगर डाउन हो गया है तो आपका गलती नहीं है, कुछ ऐसा सिचुएशन था तो डाउन हो गया है, लेकिन आपको सुधारना बढ़ाना है स्कोर तो कैसे बढ़ा सकते हो? तो उसके लिए प्रॉपर तरीका है, दो तरीका जनरली बात कर सकता हूँ। एक आपको छोटी सी लोन लेके, जैसे गोल्ड लोन आपको सबको मिल जाती है, जो आपको गोल्ड लेके आप लोन ले सकते हो, तो उसका रेगुलर पेमेंट करेंगे ना तो आपका सिबिल स्कोर धीरे धीरे बढ़ जाएगा। ज्यादातर बात करते हैं गोल्ड नहीं है, अगर गोल्ड होता तो लोन क्यों लेता, अच्छी चीज है। दूसरा तरीका है आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। रुको, क्रेडिट कार्ड सबको मिलेगा, आपका सिबिल स्कोर खराब है, जीरो है, माइनस वन है, 400 सिबिल स्कोर है तो भी मिलेगा, लेकिन उसका थोड़ा टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो भी बात बताऊंगा। पहली चीज रुपी कार्ड है, एसबीएम कार्ड है। ये कार्ड क्या है? ये कार्ड जो है आपको एफडी के अगेंस्ट पर कार्ड देता है, चाहे आपका सिबिल स्कोर हो या ना हो। उसमें सिर्फ आपका पान कार्ड, आधार कार्ड, दो चीज मैंडेटरी है। फायदे की बात करूँ ना पहले, तो कार्ड की कोई ज्वाइनिंग फी नहीं है। जैसे आप क्रेडिट कार्ड यूज करते होगा तो आपको नॉलेज होगा कि हर साल आपका क्रेडिट कार्ड का चार्जेस 599, 599, 2000 चार्ज है जो वो आपको पे करना होता है। लेकिन ये कार्ड जो है 100% फ्री है, कि ज्वाइनिंग फी नहीं है, आपको हर साल कोई फी पे नहीं करना है। दूसरी चीज, उसमें आपका जो भी परचेस करेंगे, जो भी स्वाइप करेंगे, जो भी खर्चा करेंगे, उसमें आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। तीसरी चीज है, उसमें कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, ना कोई इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए, ना कोई इनकम प्रूफ चाहिए, ना कोई सैलरी चाहिए, सिर्फ अपना पान कार्ड आधार कार्ड पे ले सकते हो। इसके अलावा बात करूँ तो कार्ड के लिए आपको कुछ एफडी रखना पड़ेगा, एफडी करना पड़ेगा, जो मिनिमम 5000 मतलब कि 5000 से स्टार्ट होता है। जो 5000 एफडी रखेंगे ना, उस पर आपको 7% तक का एफडी का इंटरेस्ट तो मिलेगा, मतलब कि जो आप एफडी रखते हो उसका 7% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और उसी बेस पे उस जो एफडी रखते हो उसी अमाउंट का 90% आपको क्रेडिट लिमिट दिया जाएगा, तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट होगा। मान लीजिए कि आप 10,000 का एफडी रखते हो, 10,000 पे आपको 7% का एफडी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिलेगा, और आपको 9,000 का क्रेडिट लिमिट मिलेगा, जो क्रेडिट कार्ड 9,000 का आप लिमिट होगा वो आप यूज कर सकते हो एज अ क्रेडिट कार्ड। नॉर्मल जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हो बस वैसे ही आपको यूज करना है। ये जो क्रेडिट कार्ड आपको दिया जाता है उसका आप एज ए नॉर्मल क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो, ठीक है? तो ये अच्छी चीज है। तो आप, ज्यादातर लोगों का क्वेश्चन था कि मेरा सिबिल खराब है, मेरे को कोई लोन नहीं दे रहा है, फर्स्ट लोन लूँ तो कैसे लूँ? क्योंकि ज्यादातर कंपनी बोलती है कि आपको लोन नहीं है, जीरो या माइनस वन सिबिल है तो लोन नहीं दे सकता, तो उसके लिए ज्यादातर दिक्कत आती थी। तो ये कार्ड सबके लिए बेस्ट कार्ड है, कोई भी लोग ले सकते हो। अप्लाई करने के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ तक क्लिक करके आपको प्रोसेस करना है और अप्लाई कर देना है। और आपको नॉलेज नहीं है तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा जो गूगल फॉर्म दिया हुआ है वो आप फिल करके सबमिट करेंगे तो हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी और प्रोसेस करने में हेल्प करेगी। तो आप डायरेक्ट भी करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, लिंक से, ठीक है? तो ये चीज़ था आपको क्रेडिट कार्ड लेने का जरिया, जो आपका सिबिल खराब है तो भी आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। क्रेडिट कार्ड है अगर आप यूज करते हो तो उसका टाइमली पेमेंट करना जरूरी है, अगर उसमें भी आप टाइमली पेमेंट नहीं करते हो ना तो उसकी इफेक्ट आपको क्रेडिट रिपोर्ट में पड़ेगी, क्योंकि ए कंपनी जो है ना हर महीने क्रेडिट रिपोर्ट कंपनी, जो चार क्रेडिट कंपनी है, चारों में रिपोर्ट करती है। अगर आपका रेगुलर क्रेडिट कार्ड यूज करते होगे तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा बनेगा, बढ़िया बनेगा और क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होगा। तो ये चीज़ है आपका क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो दोस्तों ये चीज़ कैसा लगा कॉमेंट करें, अगर आपको कोई दूसरा कोई डाउट्स है, कोई क्वेरी है, आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हो। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।